हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मुमरा और कौसा में सारा ड्रग माफिया चल रहा है, यहाँ पे हत्या का प्रयास किया गया है, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तकलीफ में है यहाँ की मुमरा की पब्लिक, कौसा की पब्लिक, जो बच्चे लोग को नशे का ये लगाते हैं, ये लोग बहुत सारे नाम मेरे पास है, गुलदस्ते में है, मैं ओपन नहीं करना चाहता। कौसा, मुमरा और कलवा, ये पूरा ड्रग्स मुक्त हो जाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिशान खान पर बॉम्बे कॉलोनी में एक युवक ने धारदार हथियार से वार किया। वार जिशान के सीने पर किया और काफ़ी जख्म भी है। जिशान का कहना है कि युवक नशा किया था और उसका नाम अकबर वजीर खान बताया है। जिशान ने जब इसकी शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में की तो सिर्फ एनसी ली गई, एफआईआर नहीं लिया गया। ये पूरी घटना बॉम्बे कॉलोनी में शुक्रवार को घटी थी, जिसके बाद कांग्रेस के ठाणे जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान आज अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वार करने वाले युवक अकबर पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस इंस्पेक्टर रामचंद्र वलतकर को लेटर भी दिया। वहीं विक्रांत चौहान ने कहा कि मुमरा में नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, इसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं, वक्त आने पर इन्हें बेनकाब किया जाएगा। मुमरा में जल्द ही कांग्रेस नशा कारोबारियों की लिस्ट तैयार करेगी, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम भी शामिल होंगे। वहीं अगर उनकी जो मांग है वो किया गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो कांग्रेस मुमरा में नशे को लेकर आंदोलन करेगी। विक्रम साहब, आज आप यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, आपके कार्यकर्ता पर किसी ने वार किया है और खास तौर पर नशे को लेकर आपने यहाँ के पुलिस से मुलाकात की है, क्या उनसे कहा है और क्या उन्होंने आपको क्राइम पी है? तो उनके पिताजी का इंतकाल होने की वजह से नासिक में है, मैं मुजावर साहब से मैंने मुलाकात की, उनको मैंने एक निवेदन दिया है हमने कांग्रेस की तरफ से मेरे लेटर हेड पर, कि जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा जो लड़का है जिशान खान, उस पर जो ये हुआ है, अटैक हुआ है, उसके मामले में हमने उनसे भेंट ली और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि हम गुना दाखिल करेंगे करके, उस दिन एनसी ली थी। और उसके साथ हमने ये भी बात छेड़ी है कि यहाँ पे मुमरा और कौसा में सारा ड्रग माफिया चल रहा है यहाँ पे, और वो जो लड़का था वो भी ड्रग एडिक्ट है लड़का, और वो सराय गुनेगार है। तो ये जो ड्रग का जो माफिया चल रहा है, रैकेट चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए, आप लोगों ने यहाँ पे एक एक्शन प्लान करके यहाँ पे आपने ड्राइव लेना चाहिए, और कांग्रेस आपके साथ है और आपको जो कुछ मदद लगेगी होम मिनिस्ट्री से या फिर एंटी नारकोटिक सेल से हम देने को तैयार है। तो गुने के बारे में हमने कहा, उन्होंने आश्वासित किया, क्योंकि हमने हमारे लेटर में लिखा था आपने अगर नहीं किया तो हम कोर्ट में जाएंगे, 1463 के प्राइवेट क्रेज दाखिल करके, हमारे जिया भाई है, एडवोकेट जिया भाई क्रिमिनल लॉयर है, जनरल सेक्रेटरी है, दाखिल करेंगे। तो वो बोले नहीं, वो ज़रूरत नहीं, हम गुना दाखिल कर रहे हैं, नंबर एक, क्योंकि वो हत्या का प्रयास किया गया है, 307 326 जो कुछ भी लगेगी वो। और दूसरा, हमने कहा अगर आपने ये ड्राइव नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने सुना बहुत पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व है यहाँ पे ड्रग, इसमें मुझे कार्यकर्ता लोगों ने जैसे बताया, अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन है उसमें कह रहे, और पब्लिक काफ़ी तकलीफ में है यहाँ की मुमरा की पब्लिक, कौसा की पब्लिक, खास करके माँ बहनें जो है वो तकलीफ में है, वो डर के वातावरण में यहाँ पे जीते हैं सभी, ये जो बच्चे लोग को नशे का ये लगाते हैं, ये लोग आदत लगाते हैं, वो उनके माएँ भी तकलीफ में है, उनके पेरेंट्स तकलीफ में है। तो हमने कहा अगर आपने ये ड्राइव नहीं छेड़ी इन 15 दिन में, तो कांग्रेस रास्ते पर उतरेगी और निरीक्षण करेगी। जैसे कि आपने कहा ड्रग्स को लेकर आप आगे आए, लेकिन ऐसे पिछले सालों में देखा जाए तो कई संस्थाएं जो है ऐसे आगे आई नशे को लेकर, राजनीतिक पार्टियां भी आगे आई, लेकिन कहीं ना कहीं सब पीछे रह गए और ड्रग्स जो है वो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ता चला गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता पर जब इस तरह की घटना सामने आई, अब आप पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं, तो क्या नशे को लेकर आप मुमरा शहर में खास तौर पर कितना इस पर जो है काम करेंगे कि नशे को जो है यहाँ पर कम किया जाए? किस तरह का आपका अभियान? दो तरीके का काम है, अभियान होता है। एक तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ की पब्लिक को कि ये जो नशा है, अपने बच्चों को संभाल के रखिए,
यहाँ पे, और जो नशे वाले लोग हैं उनके बारे में अभी जो कुछ भी गाइडलाइंस है कि बाबा उनको नशाबंदी करने के लिए उनको क्या ये देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो हम एक विविध स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या संगठनों के माध्यम से हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन जो लॉ ऑर्डर का सिचुएशन, जहाँ पे लॉ ऑर्डर का काम होता है, वो हमने पुलिस पर सौंप दिया है। वहाँ पे हम उनके साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता बताएंगे यहाँ पे कि कहाँ कहाँ ड्रग्स बेचा जाता है, कौन से माफिया इसमें इन्वॉल्व है, कौन से नेता इसमें इन्वॉल्व है, बिल्डर्स लोग कौन से इन्वॉल्व है, कौन से होटल वाले इन्वॉल्व है। बहुत सारे नाम मेरे पास है, गुलदस्ते में है, मैं ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि क्या है फिर कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई पर यह होगा, असर होगा। ये नाम पूरे मैं एंटी नार्कोटिक सेल को और पूरे जैसा सुशांत सिंह राजपूत की केस जहाँ जिस तरीके से हैंडल की गई एंटी नार्कोटिक सेल से, उसी एंटी नार्कोटिक सेल्स के माध्यम से मैं यहाँ पे एक पूरा ड्राइव, यहाँ पे ब्यूरो क्या बोलते हैं सर्वे करने लगाऊंगा, और जो कोई भी है उसमें इस पर कंट्रोल लाने की हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। इसके पहले क्या हुआ उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या हमने इधर आश्वासन दिया तो हम बिकाऊ तो है नहीं और पीछे हटेंगे नहीं। आपने जैसे कहा कि हम यहाँ पे कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश करें, कंसिस्टेंसी दिख रही है, तो इसके बारे में भी हम कंसिस्टेंट, और हम देखेंगे कि आगे चल के आगे समय में ये 2-4-6 महीने में कांग्रेस ये कौसा, मुमरा और कलवा ये पूरा ड्रग्स मुक्त हो जाए, इसकी हम पूरी कोशिश। जैसे कि आपने कहा था कि कुछ लोगों की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कुछ लोगों की जानकारी आप जुटाएंगे, तो क्यों ना जो ऐसे ड्रग्स माफिया है उनको क्यों ना बेनकाब किया जाए, क्यों ना जनता के सामने लाया जाए, ये काम आप कब करेंगे? देखिए कैसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मीडिया है, आप मेरा स्टेटमेंट लेंगे बराबर है, लेकिन जो एविडेंस के बगैर किसी पर अपन आरोप करना, मुझे कुछ बातें मालूम पड़ी है लेकिन जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं आता, जिस दिन एविडेंस आएगा मैं आपके सामने उनका पर्दाफाश करूंगा कि यस ये आदमी इन्वॉल्व था। बीच में आपको मालूम है कौन सा प्रकरण था वो ड्रग्स का? हाँ, उसमें भी मर्चेंट के, इसमें भी बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते, फिर वो कैसे प्रकरण दबाया गया, तो एक्चुअली वही उस वक्त परस्यू करते थे एंटी नार्कोटिक सेल, तो अच्छी तरीके से ये पूरा नार्कोटिक्स का जो है क्या बोलते हैं रैकेट बाहर निकलता था। आप यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में थे, इसकी आपने थाना पुलिस कमिश्नर से शिकायत इसको लेकर आप चले गए? नहीं, पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हम, मैंने ऑलरेडी आप देखोगे कि ये मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दिया है, इसकी कॉपी देखिए सीसी में देने जा रहा हूँ, सीसी रहेगी एक पुलिस कमिश्नर साहब को होगी, एक एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर क्राइम को देंगे हम, और लास्ट कॉपी जो है वो हम डीसीपी जो एंटी नार्कोटिक सेल है एसीपी उनको देंगे, और ये आगे चल के हम बंबई में भी जा रहे हैं, सतीश पाटिल जी से मिलेंगे और उनको बोलेंगे सख्त इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, मांग पूरी नहीं होती, तो क्या आपका स्टेट रहेगा? कांग्रेस रास्ते पर उतरेगी, कांग्रेस रास्ते पर उतरेगी, अभी कांग्रेस सीख रही है ना, यहाँ पे कांग्रेस तो पहले से ही रास्ते पर थी, हाँ अभी सही तरीके से रास्ते पर आएगी और लोगों को भी रास्ते पर लाएंगे, बराबर है कि नहीं? हम तो डूबेंगे सनम, ड्रग्स वालों को लेके डूबेंगे। 100% मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे और मैं देखूंगा कि मुमरा वासियों को मेरे तरफ से न्याय मिले, कांग्रेस की तरफ से न्याय मिले, हाँ मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से न्याय मिले। विक्रांत चव्हाण साहब आगे बढ़ो। क्लियर कट लिखा है एमएनसी में, शार्प वेपन से अटैक किया गया है, जानलेवा हमला है, तो हमने गुजारिश की है 307 दाखिल करे। लेकिन जब इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन आए थे तो मामला दर्ज नहीं किया गया? हाँ, एनसी की गई थी, इसलिए तो मैं आया हूँ ना, मैं एक दिन के लिए बाहर था इसलिए मैं आया हूँ, हाँ नहीं तो अनशन पर बैठ जाऊंगा। किसने हमला किया था ये आपके ऊपर, आखिर वजह क्या थी? वजह ये थी, वजह कुछ भी नहीं थी, छोटे बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे और मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, और वो इतना नशे में आया हुआ था, और ये पहली बार नहीं है, वो मेरी बिल्डिंग में रहता है, उसका नाम अकबर वजीर खान है, और इसके पहले भी वो बहुत बार ऐसा कर चुका है, मगर हर बार उसके घर वाले जो है उसको बचा कर लेकर आ जाते हैं। आया नशे में और इतना था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और जितने बच्चे थे सबको गालियाँ दिया, सबको बैट से मारा, एक को तो एक बच्चा है यहीं पर मौजूद है, उसके तो सर पे बैट उठाया मारने के लिए, उसका वीडियो भी है मेरे पास, अगर वो मार दिया होता तो बच्चे को कुछ भी हो सकता था उस वक्त, यानी मर भी सकता था, इतनी जोर से बैट उठाया। फिर उसके बाद में कम से कम 6-7 फिर लेडीज़ों को गाली दिया, उनको मारा, 2 लेडीज है उसमें, एक का गला पकड़ लिया, एक का हाथ मोड़ दिया। उस दिन लेडीज़ भी आते स्टेटमेंट देने, मगर उनका भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया, जबकि वो बेचारे बोल भी रहे हमारे साथ भी गया, हमारा स्टेटमेंट लो, हमारी कंप्लेंट लो, उनको 3 बार वापस भेज दिया।
फिर मेरे पास आया, जब मैं बीच बचाऊ में गया तो मेरे को भी गाली दिया। उसके बाद में इधर से चाकू निकालने लगा साइड से, और उसके जो अब्बा थे, डैडी थे, उसके बाजू में खड़े, और ये बच्चे भी सब खड़े थे, सब बोले नशे में इतना नहीं करेगा। चाकू निकालने लगा, मतलब क्या दिखा रहा है, चाकू दिखा रहा है। इतने में चाकू निकाल के सीधा यहाँ पे मारना चालू कर दिया। बस नसीब ये है कि ऐसा मारा और ऐसा नहीं मारा। अगर ऐसा मार दिया होता तो यही सीना भी नज़दीक था, लीवर और ये हार्ट पे कहीं भी लग सकता था, यानी सीधा जान पे बात आ सकती थी। उतना होने के बाद फिर आगे गया मारने के बाद भी, फिर वहाँ जाने के बाद में, फिर जब लेडीज लोग जिनके बच्चों को गाली दिया था और मारा था, वो जब बचाने आए, मेरे डैडी भी आए, उनको भी देखो यहाँ लगा हुआ है आँख के पास, मैंने कुछ देख ही नहीं रहा, होश में नहीं, और वो भी, और हर बार ऐसे होता है, अकबर वजीर खान। और ऐसा है कि ये पहला केस नहीं है, मैं सर को ये भी बोला, सर आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप उसका नाम डालिए, कम से कम 20-25 केस है उसके ऊपर पहले भी। और यही होता है, हर बार वो ऐसा करता है, 10 दिन 15 दिन गायब कर देते घर वाले, अभी भी वो गायब है। उस दिन से अभी तलक के ना कोई पुलिस आई है घर पे उसको ढूंढने के लिए,